आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के अंदर इतनी सारी गाड़ी लॉन्च हो रही हैं, और लोग भी अच्छा प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ भैया नई गाड़ी लॉन्च हो रही तो नया ख़रीद ही लें। और इसके चक्कर में आप लोगों को यही पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर के जो शॉर्टेज चल रहा है इंडिया के अंदर, जो गाड़ी को बनाने के लिए यूज़ होती है, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग जिन्होंने गाड़ी ऑर्डर की थी वो वेट कर रहे हैं कि भैया कब हमारी गाड़ी आएगी, कब हम उसकी डिलीवरी लेंगे, कब चला पाएंगे। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी पे कितने लोग उसका वेट करें आने का। तो अगर आप लोग भी कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करो नहीं, तो भैया ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस लिस्ट में से कोई गाड़ी ऑर्डर कर दी, मतलब बुक कर दी, और इसकी शॉर्टेज चल रही है इंडिया के अंदर, मतलब सेमीकंडक्टर की वजह से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी बंद है एक तरह से, ये कर लो, क्योंकि इसकी डिलीवरी हो ही नहीं रही और लोग लाखों की संख्या में इसका वेट कर रहे हैं कि ये वाली गाड़ी आ जाए, तो भैया देख लो, क्या पता आपको भी पोपट होने से बच जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि मैं कह रहा था, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से 7 लाख से भी ज़्यादा लोग जिन्होंने कार बुक की थी अब वो उसके आने का वेट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत की वजह से कार कंपनी समय पर अपनी गाड़ी को डिलीवरी नहीं कर पा रही है। एक और जो इकोनॉमी खुली है, मतलब जो ग्लोबल मार्केट खुला है, उसकी वजह से जो डिमांड है एकदम से बढ़ गई है, और एक तरफ नए मॉडल की लॉन्चिंग हो रही है, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो रही है। ऐसे में कार की डिलीवरी के लिए वेटिंग पीरियड और लंबा होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने कोई गाड़ी बुक की है और उसका वेटिंग पीरियड कहीं ज़्यादा है, तो आप समझ जाओ सेमीकंडक्टर चिप की वजह से उसकी वेटिंग पीरियड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब जो गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है, तो इसमें अफसोस वाली बात ये है कि जो आप लोगों को डिलीवरी मिलेगी, मतलब देर में डिलीवरी मिलेगी, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट रेट आपको पता ही हर समय फ्लक्चुएट होता है। तो आपको पता ही है जब आप डिलीवरी लेते हो गाड़ी की, और उस समय जो गाड़ी का प्राइस होता है आपको वो देना पड़ता है, चाहे भले ही ज़्यादा हो या कम हो। और आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया था कि कार कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाने वाली है, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और इस साल की शुरुआत से ही लगभग मतलब एवरेज 6% की इंक्रीमेंट होगी। और अब आप लोग सोच रहे हो कि ये चीज़ छोड़, जो मेन चीज़ है वो बता, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड वाली गाड़ियाँ हैं जिन पर एक एक साल की वेटिंग है, उनमें से कुछ है महिंद्रा XUV700, मारुति की CNG वेरियंट जितने भी हैं उनकी सब वेटिंग चल रही है, हुंडई की क्रेटा भी आपको वेटिंग मिल रही है, किया सेल्टोस भी वेटिंग मिल रही है, MG की एस्ट्रा भी वेटिंग मिल रही है, टाटा की पंच भी मिल रही है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, मर्सिडीज़ की GLS भी आपको वेटिंग मिल रही है, ऑडी ई-ट्रॉन पे भी आपको वेटिंग मिल रही है जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है। तो ये तो बात होगी कि कौन कौन सी गाड़ियों की मॉडल पे वेटिंग चल रही है। तो मैं बताता हूँ कौन सी कंपनी के कस्टमर कितने वेट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जो वेट कर रहे हैं इस कंपनी की गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो पहले तो बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। इसके जो कस्टमर वेट कर रहे हैं वो 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं भैया कि हमको गाड़ी की डिलीवरी दे दो, प्लीज़ भैया प्लीज़। तो दूसरी कंपनी है हुंडई, इसके 1 लाख से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि भैया गाड़ी दे दो हमें, हमने बुक कर रखी है 1 साल से ज़्यादा हो गया और 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तीसरी कंपनी टाटा मोटर्स है, इसके भी 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, मतलब अल्टीमेटली समझ रहे सेमीकंडक्टर। और चौथी कंपनी महिंद्रा है, और महिंद्रा के भी सेम लोग वेट कर रहे हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं, वो नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी मगर 1 लाख से ज़्यादा ही है। और अगर मैं बात करूँ किया मोटर्स की, तो किया मोटर्स के 75,000 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि किया मोटर्स की गाड़ी हमें मिल जाए। और अगर मैं बात करूँ मैं MG की, तो MG के 46,000 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। फोक्सवैगन, स्कोडा, टोयोटा, निसान, रेनॉल्ट, ऑडी सभी को मिलाकर 75,000 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं इन सब कंपनियों को मिलाकर। और अगर मैं मर्सिडीज इंडिया की बात करूँ, तो मर्सिडीज की गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए 2,800 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। और मैं आपको इसके अलावा ये बता दूँ, जो इलेक्ट्रिक कार्स की वेटिंग पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल कार, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के अंदर कई सारी सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है जो कि पेट्रोल और डीजल में कम पड़ती है। अब आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो भैया उसकी वेटिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप 2021 में बुक कराओगे, मतलब 21 तो खत्म हो गया, 22 में बुक कराओगे जनवरी में, तो आपको जनवरी 2023 में डिलीवरी मिलेगी, और उस समय भी जो 1 साल का जो प्राइस बढ़ जाएगा ना आपको वो देना पड़ेगा। मगर फिर भी कंपनी एक कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें कम करे, क्योंकि जो उसकी वेटिंग पीरियड है, जो उसके बैकलॉग में जा रही चीज़ें उसको जल्दी से क्लियर करनी चाहती है, मगर क्या करें मेन चीज़ ही नहीं मिल रही। तो बाकी अगर आप भी इन कंपनियों में से कोई भी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो भैया ये ध्यान में रख लो कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, मतलब जिस प्राइस से आप बुक करोगे वो प्राइस ना देके आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि वेटिंग पीरियड की वजह से आपको प्राइस बढ़ जाएगी। तो बाकी अगर आपको 22 कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे क्वेश्चन का भी DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से वीडियो अच्छी लगे, मीटिंग लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।